नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या कांग्रेस कंगना रनौत पर मुकदमा करने वाली है, कांग्रेस ने कंगना रनौत को माफी मांगने के लिए कितना टाइम दिया है, कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर ऐसा क्या बोला। इसके अलावा एक और बयान कंगना ने जो दिया है, क्या उस पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा कंगना को एक बार फिर फटकार लगाएंगे, और क्या यह बयान बीजेपी को भारी पड़ने वाला है हरियाणा चुनाव में। पहले बात करते हैं सोनिया गांधी के बारे में, कंगना रनौत ने क्या बोला जिस पर कांग्रेस ने मुकदमे की धमकी दी है। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी को लेकर क्या बिगड़े बोल बोले, जरा वो बयान सुनिए, उसके बाद कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है वो भी दिखाएंगे। अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आता है, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा, और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं, वो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में। तो कंगना रनौत आरोप लगाती हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री कोष में योगदान देते हैं, हिमाचल प्रदेश के भले के लिए पैसा डोनेट करते हैं, तो वो पैसा उसके बाद सोनिया गांधी के पास पहुंच जाता है। बताइए कितनी बचकाना बात कर रही हैं। मुख्यमंत्री कोष का पैसा हिसाब किताब से खर्च होता है, उसका हिसाब कागजों में होता है। क्या किसी कागज में लिखा है कि सोनिया गांधी को इतने पैसे पहुंचे हैं? इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। और ये बयान दिखाते हैं कि बीजेपी सांसद कितना हिमाचल प्रदेश से प्यार करती हैं और कैसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाती हैं और एक तरह से लोगों को उकसा रही हैं कि आप मुख्यमंत्री कोष में पैसा मत दीजिए। इस बयान के यही मायने निकलते हैं। इससे एक आम धारणा बन जाएगी लोगों में कि मुख्यमंत्री कोष में पैसा देने का कोई फायदा नहीं है, वो पैसा तो सोनिया गांधी के पास पहुंच जाएगा। क्या एक सांसद को इस तरह के बयान देने चाहिए? इसे लेकर कांग्रेस ने साबित करने का अल्टीमेटम दिया है कंगना रनौत को। कांग्रेस ने कंगना रनौत को साफ चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते में सबूत पेश नहीं कर पाई तो उसके बाद कंगना रनौत पर मुकदमा किया जाएगा। कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने कंगना के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कंगना को अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते में साबित नहीं किया कि सोनिया गांधी के पास पैसा जाता है तो हम कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, उसके बाद कोर्ट में उन्हें साबित करना होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कंगना रनौत क्या एक हफ्ते में माफी मांगती हैं और क्या वाकई बयान के मुताबिक कांग्रेस कंगना रनौत पर मुकदमा करेगी या मामला कुछ दिन बाद रफा दफा हो जाएगा। वहीं कंगना का एक और बयान आया है जिसे लेकर जेपी नड्डा और पीएम मोदी उन्हें एक बार फिर फटकार लगा सकते हैं। कांग्रेस ने इस बयान को मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने कंगना का यह बयान शेयर किया है जिसमें कंगना क्या कहती हैं। कंगना कहती हैं कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। यह बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने बयान दिया है जिस पर कांग्रेस कहती है कि देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। ये कंगना का बयान पोस्ट किया है कांग्रेस ने, जिसमें कंगना कहती हैं कि किसानों के भले के लिए एक बार फिर 3 कानून मोदी सरकार को लाने चाहिए और किसानों को समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, किसान आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के सबसे ज्यादा किसान शामिल थे। अब हरियाणा में चुनाव है तो कंगना रनौत का ये बयान हरियाणा में बीजेपी को नुकसान करने वाला है। किसान एक बार फिर इस मुद्दे पर भड़क सकते हैं। तो पीएम मोदी और बीजेपी इसे लेकर क्या कंगना रनौत को एक बार फिर फटकार लगाएंगे? दोस्तों, कंगना रनौत लगातार ऐसे बयान दे रही हैं, ऐसा लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा शामिल थे। ऐसे में कंगना का यह बयान हरियाणा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान कर सकता है। तो पार्टी आलाकमान से फटकार के बावजूद कंगना आखिरकार अपनी जुबान पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रही? लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिससे हरियाणा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो क्या कंगना अपनी फिल्म का बदला ले रही हैं? आपको याद होगा कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी, जिसमें जी स्टूडियो भी को प्रोड्यूसर है, उनके वकील ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी के नुकसान को देखते हुए सर्टिफिकेट को रोका जा रहा है। तो कंगना क्या इस तरीके से बदला ले रही हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ कि पार्टी को पता भी नहीं चल रहा? और क्या बीजेपी एक बार फिर कंगना को फटकार लगाने वाली है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि सोनिया गांधी पर कंगना ने जो बयान दिया है उसके बाद क्या वाकई कांग्रेस कंगना पर मुकदमा करेगी
और क्या कंगना को माफी मांगनी पड़ सकती है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।